जब मैं पाकिस्तान में बड़ी हो रही थी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं जाकर पुरानी तस्वीरें देख सकूँ, पुराने अखबार देख सकूँ। 2007 में जब मैं पाकिस्तान वापस आई कॉलेज और बाहर काम करके, तो मुझे लगा कि हमारी जनरेशन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। सबसे पहले हमारी एक मीटिंग शर्मीन ने कॉल की, स्टार्टेड अ डिस्कशन, अ पिक्चर्स वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स, वी ऑल नो दैट। उससे हमें ख्याल आया कि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं जिनकी फैमिली एल्बम्स हैं और घर पे इतनी अच्छी और जरूरी तस्वीरें पड़ी हुई हैं लोगों के पास, एंड ऑल ऑफ दिस डेटा इफ इट्स नॉट आर्काइव प्रॉपरली विल डिसअपीयर इन टाइम। उसी वक्त 2007 में हमने सिटीजंस आर्काइव ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी और उसका ये मकसद था कि हमारे जो बानी इस मुल्क के थे उनकी कहानियाँ, उनकी आपबीतियाँ उनके अल्फाजों में प्रिजर्व करें आगे वाली नस्लों के लिए, और उन्हीं लोगों के घरों से संदूकों में जो पुरानी तस्वीरें थीं वो हमने डिजिटाइज की। जो हमारी यहाँ लाइब्रेरीज हैं उनमें हमने जाकर पुराने अखबार जो बहुत ही रद्दी हालत में थे उनको डिजिटाइज करना शुरू किया। कोई भी नया काम करने जाएं तो आसान नहीं होता, बट आई फील कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप जितना अपने माजी को जानेंगे उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। जब किसी चीज़ को आप अप्रिशिएट करेंगे तो उसको आप आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, एंड द प्रोसेस इज ग्रोइंग। जब हमारी आर्काइव बढ़ने लगी हमें महसूस हुआ कि हमें ये तस्वीरें, ये अखबारात, ये आपबीतियाँ स्कूल्स में लेके जानी चाहिए ताकि स्कूल्स में बच्चों को भी पता चले कि हमारी तारीख क्या है। कराची और लाहौर और पिंडी में हम काफ़ी स्कूलों में अपनी आर्काइव लेकर गए ताकि पाकिस्तानियों को थोड़ा फ़ख्र महसूस हो कि हमारे मुल्क के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, कल्चरली हम कितने रिच हैं। और जब हमने इंटरेक्शन की बच्चों से और जब उनकी आंखें देखी और जब उन्होंने तस्वीरें पुरानी देखी तो उनको एक बहुत डिफरेंट तरह का पाकिस्तान नज़र आने लगा। नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो मीनार पाकिस्तान के सामने ग्रेटर इकबाल पार्क में लाहौर में बना हुआ है, तो नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम तारीख को किताबों से बाहर लाकर इट मेक्स इट कम अलाइव। आई थिंक कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। हम तारीख जो हैं वो सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, वह तारीख को ज़िंदा रखना बहुत अहम है।